नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे द 100 का 19वां मुकाबला जो खेले जाने वाला है बर्मिंगम पोनिक्स वर्सेस नॉर्थन सुपर चार्ज के बीच में। तो दोस्तों, मुकाबला 6 अगस्त को खेले जाने वाला है, 11 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा एजबस्टन बर्मिंगम इंग्लैंड की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच में हम ग्रैंड लीग टीम कैसे बना के चलें, किस प्रकार से दोस्तों कैप्टन लगाएं, कौन से खिलाड़ी को वॉइस कैप्टन लगाएं, कितने ट्रंप प्लेयर दोस्तों बर्मिंगम की तरफ से देखने को मिलेंगे और कितने ट्रंप कार्ड खिलाड़ी दोस्तों नॉर्थन की टीम से देखने को मिलेंगे, आखिरकार दोस्तों ग्रैंड लीग टीम का ऐसा किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें हमारी जो रैंक है वो नंबर 1 की देखने को मिले, और यूनिक स्मॉल लीग टीम में दोस्तों ट्रंप कार्ड खिलाड़ी कैसे ट्राई करके चलें जिसमें हमारे ऑल कॉन्टेस्ट विनिंग की तरफ देखने को मिले। तो दोस्तों, ग्रैंड लीग टीम प्लस स्मॉल लीग टीम प्लस मिनी ग्रैंड लीग की टीम किस प्रकार से बना के चलनी चाहिए और कैसे हमें कैप्टन ट्राई करना चाहिए, कैसे वॉइस कैप्टन ट्राई करना चाहिए, और प्लस में दोस्तों आज के मैच की हमारी यूनिक ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखते चलना, और अगर अभी तक जिस भी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे। और खासकर दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बात करेंगे सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में कि यहां से एजबस्टन बर्मिंगम इंग्लैंड की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि पिच के हिसाब से ही जीएल प्लस एसएल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो पिच दोस्तों, बैटिंग पिच आपको देखने को मिलेगी। इस पिच पर अभी तक 12 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने दोस्तों 5 मुकाबले यहां पर अभी तक विन किए हैं, यानी कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके विनिंग चांसेस काफी ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। इस पिच का जो एवरेज स्कोर है वो दोस्तों 160 का है, एवरेज स्कोर ठीक ठाक है और 160 प्लस भी आपको स्कोर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, सबसे ज्यादा स्कोर यहां पर बर्मिंगम पोनिक्स की टीम ने बनाया हुआ है 185 रन का, और सबसे कम स्कोर भी बर्मिंगम का है, ओनली 75 रन पे ऑल आउट है। उसी के साथ दोस्तों, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। लास्ट के जो 5 मुकाबले यहां पर खेले गए थे उसमें दोस्तों पेसर्स को कितनी विकेट मिली थी, प्लस में स्पिनर्स ने क्या परफॉर्मेंस किया था, ताकि दोस्तों हम जो जीएल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें दोस्तों ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें पेसर्स ट्राई करके चलने हैं या फिर दोस्तों स्पिन बॉलर हमें ट्राई करके चलने हैं। तो लास्ट के जो 5 मुकाबले यहां पर खेले गए थे उसमें दोस्तों 44 विकेट जो मिली थी वो पेसर्स को मिली थी और स्पिनर्स को दोस्तों 21 विकेट मिली थी, यानी कि इस पिच पर पेसर्स खासकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर दोस्तों लगभग 3-4-5 विकेटों से ज्यादा आपको स्पिनर निकालते हुए नजर नहीं आएंगे। उसी के साथ स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे 4 बार स्कोर है, 150-170 के बीच में 4 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में भी दोस्तों 4 बार इस पिच पर स्कोर देखने को मिला है। उसी के साथ रिसेंट वाले मैचों के अकॉर्डिंग बात करें कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सी टीम रीसेंट के मैचों में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करके आ रही है। तो रीसेंट में दोस्तों एसबी वर्सेस बर्मिंगम पोनिक्स के बीच मुकाबला खेला गया था और यहां पर दोस्तों सदर्न ब्रेव की टीम ने मैच को विन किया, एसबी की टीम ने मैच को विन किया। पहले बैटिंग करते हुए काफी अच्छा टारगेट रखा था, 8 विकेट पेसर्स को मिली थी, 3 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को मिली थी। फिर यहां पर 2023 में जो मुकाबले खेले गए थे उसमें दोस्तों तीनों के तीनों मुकाबले इस पिच पर बर्मिंगम पोनिक्स की टीम ने विन करके रखे हैं, चाहे दोस्तों ओवल की टीम या फिर यहां पर कोई भी टीम लगा लो, हर टीम के सामने दोस्तों मैचों को विन किया। स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स ने दोस्तों 4-5-6 विकेटों से ज्यादा यहां पर नहीं निकाली है, पेसर्स ने दोस्तों 12-12 विकेट इस पिच पर निकाली हुई है, यानी कि पेसर्स इस पिच पर काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ दोस्तों, हेड टू हेड रिकॉर्ड के अनुसार बात करें कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सी टीम हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रही है। तो लास्ट के जो 2 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों नॉर्थन सुपर चार्ज की टीम ने 1 मुकाबला विन किया है और बर्मिंगम पोनिक्स की टीम ने भी 1 मुकाबला विन किया है। रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोनों टीमें 4-4 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से दोस्तों यहां से नॉर्थन सुपर चार्ज की टीम ने 3 मुकाबले विन किए हैं और 2 मुकाबले दोस्तों बर्मिंगम पोनिक्स की टीम ने विन करके रखे हैं रिसेंट में। रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नॉर्थन सुपर चार्ज की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस में दोस्तों बर्मिंगम पोनिक्स की तरफ से बात करें तो बर्मिंगम का होम ग्राउंड है, तो ये टीम इस पिच पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। और अटैकिंग बॉलिंग लाइनअप है, जैसे कि टीम साउदी है उसके साथ साथ दोस्तों एडम माइल आपको देखने को मिलेगा और शेन एबट है, तीनों रिसेंट में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। और शेन एबट दोस्तों रिसेंट के मैचों से फ्लॉप चल रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी आपको कभी भी कैप्टन देखने को मिल सकता है। बेन डोगेट की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों बैटिंग से काफी तगड़ा परफॉर्मेंस है, डोनाल्ड की बात करें तो फ्लॉप है, लिविंगस्टोन भी दोस्तों
कंटिन्यू फ्लोप ही देखने को मिला है। डैन मोस्टली, उसके साथ साथ आपको मोइन अली देखने को मिलेगा, जाकब है, फिर दोस्तों यहां पर बिनी होवल देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है बर्मिंगम पोनिक्स की टीम की तरफ से। बात करेंगे इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से, कौन सा खिलाड़ी रिसेंट के मैचों में किस प्रकार की बैटिंग करके आ रहा है। ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों बेन डोगेट रिसेंट वाले मैच में 92 रन के साथ परफॉर्मेंस किया है हेड टू हेड में। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस बर्मिंगम पोनिक्स की तरफ से बेन डोगेट का देखने को मिलेगा। कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में भी तगड़ा चॉइस है। अब तक दोस्तों 3 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं और तीनों मैचों में ये खिलाड़ी नाबाद देखने को मिला है। 139 रन है इसके पास हेड टू हेड में, 40 का एवरेज स्कोर ग्राउंड पे है और 32 का एवरेज स्कोर हैंडेड बॉल में है। 4-4 फॉर्मेट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर बर्मिंगम पोनिक्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में दोस्तों आप इस खिलाड़ी को ट्राई करके चल सकते हो। डोनाल्ड की बात करें, कंटिन्यू दोस्तों 5 इनिंग से फ्लोप है, 4 मुकाबले हैंडेड बॉल के खेले हैं और फ्लोप या हेड टू हेड में पहला मैच है। ग्राउंड पे दोस्तों ओनली 7 रन अभी तक इस खिलाड़ी ने बनाए हैं, एक ही मैच में 11 रन हाईएस्ट है। बाकी 4 इनिंग इस खिलाड़ी की 10 से नीचे की ही देखने को मिलेगी। उसी के साथ नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर लिविंगस्टोन रिसेंट वाले मैच में 11 रन 0 विकेट, 30 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 36 रन 2 विकेट। हेड टू हेड में 2 मुकाबले बैटिंग काफी अच्छी है, 97 रन इसके पास है, 3 विकेट भी है, ग्राउंड पे भी 3 विकेट निकाल चुका है, 32 का एवरेज स्कोर हैंडेड बॉल में है, प्लस में 8 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली भी है। ये दोस्तों नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर प्लस में ऑलराउंडर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और ये खिलाड़ी आपकी टीम का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी भी हो सकता है, क्योंकि रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में इस खिलाड़ी की तरफ से बॉलिंग देखने को मिली है। विकेट इसको चाहे नहीं मिली हो, लेकिन दोस्तों बैटिंग से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको करते हुए नजर आ सकता है। अगर इस खिलाड़ी ने 30 रन प्लस में 1 विकेट भी निकाल दी तो ये खिलाड़ी आपकी टीम का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिल जाएगा। डैन मोस्टली रिसेंट में 0 रन 0 विकेट, उसके बाद 11 रन प्लस में 3 विकेट, 39 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, उसके बाद 11 रन। हेड टू हेड में फ्लोप है, ग्राउंड पे 8 का एवरेज स्कोर है, विकेट इसके पास नहीं है, 4 विकेट इसके पास है हैंडेड बॉल में और बैटिंग से दोस्तों 9 का एवरेज स्कोर टोटल इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। मोइन अली की बात कर लेते हैं, मोइन अली भी दोस्तों कंटिन्यू यहां पर फ्लोप ही देखने को मिला है। एक इनिंग काफी अच्छी है, 103 रन की इस खिलाड़ी ने खेली थी, लेकिन दोस्तों ये बहुत पीछे का मुकाबला है। रिसेंट के 4 मैचों की बात करें तो 4-4 मैचों में दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लोप है। हेड टू हेड में ओनली 2 ही विकेट है, ग्राउंड पे 27 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में 6 विकेट है, 11 विकेट निकाल रखी है हैंडेड बॉल में और दोस्तों 20 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। जाकब रिसेंट में फ्लोप, उसके बाद 46 रन नाबाद, 43 रन, 22 रन, 19 रन, प्लस में 2 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है, 20 का एवरेज स्कोर दोस्तों इस खिलाड़ी का हैंडेड बॉल में है। हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला था जो कि फ्लोप ही था, पिच पे भी दोस्तों यहां पर हेड टू हेड में मुकाबला खेला गया था जो कि दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लोप ही देखने को मिला। उसके साथ बिनी होवल रिसेंट वाले मैच में 0 रन 1 विकेट, फिर 4 रन 1 विकेट, 24 रन नाबाद 1 विकेट, 24 रन 1 रन 0 विकेट, हेड टू हेड में 2 मुकाबले 2 विकेट इसके पास है, 17 विकेट निकाल रखी है ग्राउंड पे, 29 विकेट इसके पास है हैंडेड बॉल में। बिनी होवल को लेके चलना है, ऑलराउंडर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जितनी भी आप ग्रैंड लीग टीमों का कॉम्बिनेशन बनाओगे उसमें दोस्तों आपको वही खिलाड़ी आपको पिक करके चलना है जो कि बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करता हो और प्लस में बैटिंग से भी उस खिलाड़ी की थोड़ा सा जल्दी बैटिंग देखने को मिले। जैसे कि बेनी होवल है, इस खिलाड़ी की रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में बैटिंग भी देखने को मिली है, बॉलिंग से भी दोस्तों 10 से 15 बॉल इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिलती है, तो ये खिलाड़ी दोस्तों आपकी टीम में कभी भी ट्रंप प्लेयर देखने को मिल सकता है। उसके साथ दोस्तों यहां पर केम्बर रिसेंट में 2, उसके बाद 12 रन नाबाद, 2 रन, 6 रन नाबाद, 21 रन नाबाद, हेड टू हेड में पहला मैच है, ग्राउंड पे फ्लोप है, 14 रन इसके पास है हैंडेड बॉल में, तो इन खिलाड़ियों को दोस्तों ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करना भी नहीं बनता क्योंकि इन खिलाड़ियों की जो बैटिंग है बहुत ही नीचे है। अगर बैटिंग देखने को भी मिलती है तो भी इतना खास परफॉर्मेंस दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ बात कर लेते हैं सेन एबट के बारे में। एक मैच में दोस्तों ये खिलाड़ी ट्रंप कार्ड खिलाड़ी था कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी में, जिसमें 3 रन नाबाद प्लस में 4 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया था सीवीसी में। उस टाइम पे दोस्तों बिल्कुल लो सिलेक्शन था, लेकिन रिसेंट के दोनों मैचों में इस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन बर्मिंगम पोनिक्स की टीम से देखने को मिला है। हेड टू हेड में एक मुकाबला खेल चुका है जिसमें 0 विकेट है, ग्राउंड पे भी 0 विकेट है जो कि रिसेंट में ही खेला था, 1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया, 10 विकेट इसके पास है हैंडेड बॉल में। एडम माइल रिसेंट में फ्लोप, उसके बाद 2 विकेट, फिर कंटिन्यू मैचों में फ्लोप है, फिर 1 विकेट, हेड टू हेड में 1 मुकाबला, 2 विकेट है, ग्राउंड पे 11 विकेट, हैंडेड बॉल में
24 विकेटों के साथ दोस्तों ये बॉलर परफॉर्मेंस कर चुका है। उसी के साथ फाइनल बॉलर यहां पर टीम साउदी रिसेंट में फ्लोप है, फिर कंटिन्यू परफॉर्मेंस 8 विकेट हैंडेड बॉल में, ग्राउंड पे दोस्तों 3 विकेट है, हेड टू हेड में पहला मैच है। तो ये दोस्तों फाइनली आपको बर्मिंगम पोनिक्स की तरफ से फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, स्टार्टिंग में कौन सा खिलाड़ी ओवर लेके आएगा और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, तो स्टार्टिंग के ओवर दोस्तों एडम माइल टीम साउदी सैन एबट उसके साथ डैन मोसले का देखने को मिल जाएंगे। डेथ में दोस्तों आपको यहां पर टीम साउदी बेनी होवल उसके साथ एडम माइल है और सेन एबट है, ये दोस्तों चार खिलाड़ी हैं जो कि डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के दोस्तों चार खिलाड़ी हैं जो कि स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाएंगे। और बेंच प्लेयरों की बात करें जो कि टोटल 5 बेंच प्लेयर हैं, इनमें से दोस्तों कोई भी खिलाड़ी अगर फाइनली अपडेट होता है, ऋषि पटेल है, क्रिस वोक्स है, टॉम हेलम है और यहां पर जेमी स्मिथ देखने को मिल जाएगा, उसके साथ जेम्स फुलेर है। टोटल 5 बेंच प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे और इनमें से कोई भी खिलाड़ी अगर फाइनली अपडेट होता है वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉम हेलम की बात करें तो हेड टू हेड में इस खिलाड़ी का एक ही मुकाबला हुआ था जिसमें 1 विकेट है, 7 विकेट ग्राउंड पे है, लेकिन दोस्तों हैंडर बॉल में 21 विकेट इसके पास है। उसी के साथ बात कर लेते हैं नॉर्थन सुपर चार्ज की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में कि इस टीम से हमें कौन से खिलाड़ी को कैप्टन और वो इस कैप्टनशिप में ट्राई करके चलना है। मिचेल सेंटनर ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिल सकता है। आदिल रशीद रिसेंट के मैचों में थोड़ा सा फ्लॉप चल रहा है, लेकिन दोस्तों टोपले की बात करें ये भी खिलाड़ी रिसेंट के मैचों में फ्लॉप चल रहा है। निकोलस पूरन दोस्तों रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में काफी अच्छी बैटिंग है, कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में हाई सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं ओपनिंग बैट्समैन के बारे में, क्लार्क रिसेंट वाले मैच में 33, फिर फ्लॉप है, फिर 27, फिर 17, फिर 13, 19 का एवरेज स्कोर हैंडेड बॉल में, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है। ओलिवर रिसेंट में फ्लॉप, फिर 20 रन बैटिंग नहीं, 25 रन बैटिंग नहीं, 2 रन नाबाद, 21 रन, 21 का एवरेज स्कोर हैंडेड बॉल में, 4 मुकाबले अभी तक इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं। दोनों खिलाड़ी ओपनिंग बैट्समैन में देखने को मिलेंगे, दोनों का हैंडेड बॉल में एवरेज स्कोर बिल्कुल यहां पर फ्लॉप है, लेकिन हेड टू हेड और वेन्यू पे पहला मैच है तो शायद दोस्तों एक खिलाड़ी आपको इन दोनों खिलाड़ियों में से ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों निकोलस पूरन रिसेंट वाले मैच में फ्लॉप है, फिर यहां से 65 रन नाबाद बनाए, फिर दोस्तों 62 रन है, फिर 10 रन, फिर 8 रन, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है और 4 मुकाबले हैंडेड बॉल के खेले हैं जिसमें से दोस्तों 2 मैचों में ये खिलाड़ी फ्लॉप है और 2 मैचों में 60 प्लस का स्कोर किया हुआ है। 48 का एवरेज स्कोर दोस्तों हैंडेड बॉल में है, कैप्टनशिप में ट्राई करके चल सकते हो नॉर्थन सुपर चार्ज की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो। हैरी ब्रुक ने भी दोस्तों रिसेंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 58 रन, फिर फ्लॉप है, 34 रन नाबाद, 25 रन, 53 रन, ये खिलाड़ी भी दोस्तों आपकी टीम में होना चाहिए, कंटिन्यू परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में फ्लॉप है, ग्राउंड पे 3 रन है, 40 का एवरेज स्कोर हैंडेड बॉल में है। नंबर 3 नंबर 4 के दोनों खिलाड़ी आपकी टीम में इंपॉर्टेंट प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। एडम होस की बात करते हैं जो कि हेड टू हेड में एक ही मुकाबला इस खिलाड़ी ने खेला था, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस किया, 53 रन की इस खिलाड़ी ने इनिंग खेली थी, वेन्यू पे दोस्तों वो मुकाबला खेला गया था और हैंडेड बॉल में 24 का एवरेज स्कोर है, रिसेंट में 29, 18, 3 रन नाबाद, 4 रन, 8 रन और रिसेंट के मैचों में दोस्तों 2 मैचों में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बाकी के मैचों में फ्लॉप है, लेकिन हेड टू हेड वेन्यू और हैंडेड बॉल ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेके चल सकते हो। उसी के साथ बैन रिसेंट में 20 रन नाबाद, 2 विकेट, 40 रन नाबाद, 2 विकेट, 1 विकेट कंटिन्यू, फिर यहां से 1 विकेट, यानी कि दोस्तों हर मैच में इस खिलाड़ी की तरफ से विकेटें देखने को मिली है। रिसेंट में 20 रन नाबाद बनाए थे, हैंडेड बॉल में दोस्तों 4 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है, 3 ही मुकाबले खेले हैं और 60 रन इसके पास है, 60 का एवरेज स्कोर है, ये खिलाड़ी भी दोस्तों आपकी टीम में इंपॉर्टेंट है। रिसेंट के 2 ही मुकाबले खेले हैं और दोनों मैचों में 4 विकेटों के साथ ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर चुका है, बैटिंग से भी प्लस में बॉलिंग से भी, कैप्टनशिप में ट्राई करके चल सकते हो। उसी के साथ दोस्तों मिचेल सेंटनर वीसी में दोस्तों सेफ खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा, वो इस कैप्टनशिप में दोस्तों आप एक सेफ खिलाड़ी अगर ट्राई करना चाहते हो तो मिचेल सेंटनर के साथ जा सकते हो। रिसेंट में 7 रन नाबाद, 2 विकेट, 2 रन नाबाद, 1 विकेट, 1 विकेट, 15 रन, 1 विकेट, 9 रन नाबाद, 1 विकेट, 5 विकेट इसके पास है, हैंडेड बॉल में, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है। जोर्डन क्लार्क रिसेंट में फ्लॉप है, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप, फिर 3 विकेट, 23 रन प्लस में 2 विकेट, 3 विकेट इसके पास है, हैंडेड बॉल में, 5 मुकाबले खेले हुए हैं, हेड टू हेड वेन्यू पे इस खिलाड़ी का पहला मैच है। जोर्डन क्लार्क को दोस्तों अभी के लिए मैं ड्रॉप करने वाला हूं क्योंकि इसकी जगह मैं मैथ्यू पोर्ट्स को ट्राई करके चलूंगा। रिसेंट में फ्लॉप है और बाकी के 2 मैचों में परफॉर्मेंस है और ये खिलाड़ी दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर करवाएगा। हेड टू हेड वेन्यू पे इस खिलाड़ी का पहला मैच है और हैंडेड बॉल में दोस्तों 8 विकेट इसके पास है, प्लस में 53 रन भी बना रखे हैं। आदिल रशीद रिसेंट में फ्लॉप, उसके बाद 2 विकेट, 1 विकेट, फिर फ्लॉप है, फिर 1 विकेट,
हेड टू हेड में दो विकेट, ग्राउंड पे एक ही मुकाबला, एक विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया था, 34 विकेट इसके पास है। हैंडेड बॉल में दोनों खिलाड़ियों को लेके चलना है। आदिल रशीद दोस्तों आपको कभी भी ट्रंप प्लेयर देखने को मिल सकता है। उसी के साथ फाइनल बॉलर टोपली रिसेंट में फ्लॉप है, उसके बाद कंटिन्यू इस खिलाड़ी का तीन मैचों में परफॉर्मेंस, 20 मुकाबले हैंडेड बॉल के, 22 विकेट इसके पास है। वेन्यू पे दोस्तों फ्लॉप है, एक विकेट इसने निकाल रखी है हेड टू हेड में। ये दोस्तों फाइनली आपको नॉर्थन सुपर चार्ज के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में कौन सा खिलाड़ी ओवर करवाएगा, तो स्टार्टिंग के ओवर दोस्तों टोपली के देखने को मिलेंगे, मैथ्यू पोर्ट्स के देखने को मिलेंगे, बैन और मिचेल सेंटनर। डेथ में दोस्तों मैथ्यू पोर्ट्स, बैन, मिचेल सेंटनर और आदिल रशीद, ये चार बॉलर हैं जो कि डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के दोस्तों चार बॉलर हैं जो कि स्टार्टिंग के ओवर लेके आएंगे। इसी के साथ दोस्तों ट्रंप कार्ड खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। जेसन रॉय है, मिचेल जोन्स है, मैथ्यू शॉट है। मैथ्यू शॉट रिसेंट के मैचों में लगातार दो मैचों से विकेट है, हेड टू हेड में दो विकेट ले चुका है और हैंडेड बॉल में दोस्तों चार विकेट इसके पास है। बाकी बेन स्टोक है और यहां पर कैलूम देखने को मिल जाएगा। पैट ब्राउन है, कोई भी यहां से खेलता है, पैट ब्राउन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। 6 विकेट इसके पास है हैंडेड बॉल में, 3 विकेट निकाल रखी है ग्राउंड पे। तो ये दोस्तों फाइनली आपको बेंच प्लेयर देखने को मिल जाएंगे और बाकी अपडेट आपको इनकी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में। बैन डोगेट, बेनी होवल और शेन एबट, टीम साउदी, निकोलस पुरन, हैरी ब्रुक, मिचेल सेंटनर, मैथ्यू पोर्ट्स, ट्रंप कार्ड खिलाड़ी दोस्तों लिंगस्टोन, एडम माइल और यहां से क्लार्क और उसके साथ बैन, ये टोटल चार खिलाड़ी हैं जो कि ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। ये खिलाड़ी सीवीसी में तगड़ा ऑप्शन है। और इधर से दोस्तों सेफ वॉइस कैप्टन मिचेल सेंटनर, हैरी ब्रुक और निकोलस पुरन कैप्टनसी में काफी अच्छे च्वाइस है। इधर से दोस्तों शेन एबट आपकी टीम का लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, सीवीसी में ट्राई करके चल सकते हो। इधर दोस्तों बैन डोगेट और टीम साउदी, ये टोटल दोस्तों तीन चार खिलाड़ी हैं जो कि कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी में अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बात कर लेते हैं मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में, जिसमें दोस्तों मैंने एक टीम में कैप्टनसी निकोलस पुरन को पिक करके रखा है और वॉइस कैप्टनसी भी दोस्तों सेकंड टीम में निकोलस पुरन है। कैप्टन यहां पर टीम साउदी है और यहां से वॉइस कैप्टन बैन डोगेट आपको देखने को मिल जाएगा। लिविंगस्टोन को दोस्तों यहां पर मैंने एक ही टीम में ट्राई किया है, बाकी दोस्तों एक टीम मैंने बॉलिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग बनाई हुई है जिसमें शेन एबट, उसके साथ साथ दोस्तों आपको मैथ्यू पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा। बैन है जो कि सीवीसी में तगड़ा च्वाइस है। यहां पर शेन एबट और टीम साउदी दो ही बॉलर ट्राई किए हैं। मैथ्यू शॉट अगर खेलता है तो ट्राई करके चल सकते हो, या फिर दोस्तों यहां पर बैन को आप ट्राई करके चल सकते हो। ये आज की मेरी दो फाइनल फैंटेसी टीमों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से दोस्तों ज्वाइन कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।